हेलो एस्पिरेंट्स, कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आयोजित एसएससी परीक्षा जो होती है, इसमें सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब आप प्रश्न पत्र के सभी विषयों की विधिवत तैयारी करेंगे। विधिवत तैयारी के साथ साथ नियमित तैयारी की जाए, और नियमित तैयारी और विधिवत तैयारी के लिए क्या होना जरूरी है, एक योजनाबद्ध रणनीति की तैयारी की ज़रूरत होती है। रणनीति का मतलब क्या होता है? जैसे युद्ध नीति होती है, उसी प्रकार से हमें विषयों की तैयारी भी ऐसे करनी होती है जैसे हम किसी रण में जा रहे हैं, किसी युद्ध में जा रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें एग्ज़ाम जो आता है, जिसकी हमें तैयारी करनी होती है, वह है सामान्य बुद्धि का पेपर। इसमें तार्किक क्षमता के प्रश्न भी आते हैं, और इनके लिए एक समय सीमा आपको दे दी जाती है, टाइम पीरियड देता है। उसमें आपको जो नियमित अभ्यास करने से ही दक्षता मिल सकती है, जिससे आप समय सीमा के भीतर रह करके उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस परीक्षा के प्रश्न थोड़े घुमावदार होते हैं, और इसलिए इनको हल करते वक्त थोड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है। इसके अंतर्गत सांकेतिक भाषा के प्रश्न, सादृश्यता, वर्गीकरण, वर्णमाला परीक्षण, दिशा परीक्षण, आरेखीय निरूपण और व्यवस्थित क्रम, गणितीय संक्रियाएं आदि जो है, इनकी तैयारी करना जरूरी होता है। मैं समय समय पर इनसे संबंधित जानकारी आपको देती रहूँगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सांकेतिक भाषा में कूट भाषा का जो प्रश्न है वो आ जाते हैं। अगर आपने तैयारी शुरू कर चुके हैं आप, तो आपको पता भी होगा। सादृश्यता के प्रश्न हैं, वर्गीकरण के प्रश्न हैं, वर्णमाला के। अगर थोड़ी सी इन पर मेहनत कर ली जाए तो ये बिल्कुल आसान हो जाते हैं, लेकिन अगर आप नियमित मेहनत नहीं करेंगे तो इसमें टाइम वेस्ट करना बेकार है इस पेपर में। फिर आता है आंकिक योग्यता की तैयारी। इसके लिए 9th और 10th कक्षा की जो गणित की पुस्तकें हैं, उसके सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। जितने भी सूत्र हैं वो कंठस्थ कर लीजिए, और उन प्रश्नों को विधि पूर्वक हल करने की विधि भी ज्ञात होना जरूरी है। यह भी तभी संभव है जब आप गणित की नियमित रूप से तैयारी करेंगे। पश्चात आता है सामान्य हिंदी की तैयारी। सामान्य हिंदी के प्रश्न बोधगम्यता, विलोम शब्द, युग्म शब्द, पर्यायवाची शब्द और वाक्य त्रुटि, इन पर आधारित होते हैं। इसमें इनकी डिटेल्स भी मैं अपने चैनल पर आपको दे चुकी हूँ, ये मैंने आपको काफ़ी इसके बारे में बताया है। विलोम शब्द का भी आपको मिलेगा, पर्यायवाची के भी वीडियोस मिलेंगे। इसकी तैयारी में नियमित रूप से पढ़ने की आदत आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार होगी। यदि आपको पढ़ने की आदत नहीं है तो इस एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपके सामने समस्याएँ आ सकती हैं। इसके लिए आप कोई भी दैनिक हिंदी समाचार पत्र, उसका नियमित अध्ययन कीजिए, और हिंदी के सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियोस भी आप देख करके अपनी हिंदी का ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इससे आपके शब्द भंडार में वृद्धि होती है, और यही वजह है कि बोधगम्यता के जो प्रश्न हैं उन्हें हल करना आसान हो जाएगा। तत्पश्चात आपका आता है सामान्य जानकारी की तैयारी करना, यानी जीके की तैयारी। सामान्य जानकारी की तैयारी के लिए कोई भी आप एक ऐसी पुस्तक लीजिए जो अच्छी सामान्य ज्ञान की पुस्तक हो, और उसका आप रेगुलरली स्टडी करिए। और जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकें हैं, इसमें आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, भूगोल और भारतीय राजव्यवस्था, ये चार चीज़ों की, जिसमें मैं एक इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल और भारतीय राजव्यवस्था के आधारभूत तथ्य, इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। और
साथ ही वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की पुस्तक, यानी कि जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, ऐसी कोई पुस्तक आप लेकर के अपने तथ्यों की पकड़ जो है उसको मजबूत बना सकते हैं। समसामयिक घटनाओं की जानकारी के लिए आप प्रतिदिन समाचार पत्रिका अध्ययन करें, और इसके अलावा कोई पाक्षिक या मासिक पत्रिका जो जैसे प्रतियोगिता दर्पण आदि आती हैं, इनका अध्ययन करें, जिससे आपको महत्वपूर्ण खबरें जो हैं वो पुनरावृत्ति होगी उनकी, और वो आपको याद रखने में आसान हो जाएंगी। बस अगर आप इतनी सब थोड़ी सी सिस्टमेटिकली तरीके से अपनी तैयारी करते हैं और विधिवत, जिसे हम कहते हैं नियमित तैयारी करेंगे, तो आपको कांस्टेबल भर्ती के एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस परीक्षा से संबंधित कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, और इस जानकारी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।